नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फरीद सिद्दीकी, A99 न्यूज़ वॉइस ऑफ इंडिया में आपका खैर मकदम करता हूँ। आने वाली राम नवमी के मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर की जानिब से सीताराम बाग में जहाँ से शुभ यात्रा का इब्तिदा की जाती है उस जगह का मुआयना करने पहुँचे हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर और GHMC के कमिश्नर और दिगर अलाहदेदारों ने इस जगह का जायजा लिया जहाँ से रामनवमी की शुभ यात्रा का इब्तिदा की जाती है। इस मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्री अंजनी कुमार ने तमाम लोगों से गुजारिश की है कि रामनवमी और शुभ यात्रा का मतलब होता है कि यात्रा अच्छी हो, जिससे इन्होंने ये पैगाम दिया है कि इसे ये साबित करके बताए कि इस यात्रा से किसी को नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा हो, ये यात्रा बिल्कुल अमन तरीके से निकाली जाए और इसका पूरा रूट मार्च करते हुए तमाम इलाके का जायज़ा लिया। आइए नाजरीन, हमारे नुमाइंदे सैयद अहमद की एक तफसीली रिपोर्ट। ₹1,30,000 खर्च तो अभी तीसम जी अंड स्ट्रीट लाइट फिटिंग्स 5 लक्ष खर्च 2,350 एक्स्ट्रा स्ट्रीट लाइट्स दारी पड़ने एक्कडैक्कडैते कावालनो अक्कडैस्तारु इंकेदैना इंपारटेंट श्री जनार्दन रेड्डी गारु रघुप्रसाद गारु नायक गारु डॉक्टर भगवंतराव गारु गोविंद राठी साहब हमारे डिपार्टमेंट के एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर चौहान गारु एडिशनल CP ट्रैफिक अनिल कुमार गारु जॉइंट CP स्पेशल ब्रांच डॉक्टर तरुण जोशी गारु DCP वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव गारु पीस कमिटी मेंबर्स श्री राम नवमी यात्रा शोभा यात्रा कमिटी मेंबर्स ऑर्गेनाइजर्स वॉलेंटियर्स मीडिया हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स सबको हमारा नमस्कार। आज सबसे पहले तो मैं के अवसर पर उसके पहले जो एक पूरे विश्व में एक सर्वे हुआ अच्छे शहर के बारे में और हैदराबाद शहर हिंदुस्तान का नंबर 1 शहर रेट किया गया। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, ये एक इंटरनेशनल सर्वे कंपनी है मर्सर जिसका टेलीविज़ शहर माना जाता है। और यहां से शुरुआत करते हुए जब आज हम मंदिर में अंदर दर्शन करने गए भगवान श्री राम का और उनकी प्रतिमा को जब हम देखे तो ऐसा लगा कि उनके जन्मदिन का ये अवसर है श्री राम नवमी जब हम लोग सब मनाते हैं। और आज की तारीख में हर जगह हर चीज इंसान जो करता है, हम करते हैं, आप जो भी करते हैं, हर चीज में सबसे अहमियत किस चीज की होती है, वह होती है मर्यादा। जो भी काम करें मर्यादा से करें, रहन सहने के तरीके, बात करने के तरीके, बच्चों को आप कैसे बड़ा कर रहे हैं उनका तरीका, अपने पड़ोसी से कैसे बात कर रहे हैं उसका तरीका, हर जगह मर्यादा की जरूरत है। और उस इसलिए हम लोग आज याद करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम को। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हम लोग याद करते हैं तो उनकी पूरी जिंदगी जो वाल्मीकि जी ने लिखी है या गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के व्यक्तित्व और उनके जिंदगी का हर एक वाक्य हम लोग को एक दिखाता है मार्ग, अपने दोस्त से कैसे रहें, अपने दुश्मन से भी कैसे बर्ताव करें। जब रावण वध के बाद लक्ष्मण थोड़ा खुश हुए तो भगवान राम ने उनको कहा कि आप नहीं, पहले जाकर उनसे कुछ ज्ञान लो। तो यही है मर्यादा। रावण दुश्मन थे लेकिन उनसे भी कुछ ज्ञान लेना चाहिए। तो आज की तारीख में मेरे दोस्तों, हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं और लाइफ में जितनी
मुश्किलें हैं सबके पास, नौकरी की, बच्चों की पढ़ाई की, बहुत तरह की चीज, हर जगह हर चीज में कहीं स्ट्रेस है, कहीं टेंशन है, कहीं कुछ है। तो अगर हम लोग अपने दिल के अंदर, अपने सोच में एक मर्यादा रखें, तो सबसे बड़ी श्री राम नवमी वही होगी। और आज ये सालों से परंपरा चल रहा है श्री राम नवमी शोभा यात्रा का। तो जैसा हमारे मित्र वेंकटेश्वर राव ने कहा कि शोभा यात्रा है, तो इस शोभा यात्रा की शोभा को हम लोग और बढ़ाएं, और सुंदर और स्वच्छ और अच्छा। हमारे जीएचएमसी कमिश्नर साहब जब भी किसी से मिलते हैं तो स्वच्छ नमस्कार कहते हैं। इनको देखकर हम भी सीख लिए, हम भी स्वच्छ नमस्कार कहते हैं। ये कितनी बड़ी चीज है। आज की तारीख में मेरे दोस्त, स्वच्छता, क्लीनलीनेस एक ऐसी चीज है जो केवल रोड और गलियों की ही नहीं है, लेकिन हमारे विचारों में भी स्वच्छता रहनी चाहिए। और इसलिए मैं यह बात आप लोग को कह रहा हूं कि यह एक ऐसा मौका है कि हम लोग कोशिश करें कि जिस तरह के इंसान भी हम हैं, हम हर दिन अपने आप को 1% बेहतर बनाएं। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसमें कमी नहीं है, जिसमें कुछ खामियां नहीं है। हम लोग कोशिश करें कि अपनी खामियों को दूर करें, अपनी बुराइयों को दूर करें।